उज्जैन के बड़नगर तहसील में निवास करने वाला एक किसान को गांव से बड़नगर जाते समय मुख्य रोड पर पानी की समस्या दिखाई दी। इस किसान ने अपने पास से रुपए खर्च कर पानी की ट्यूबवेल मोटर लगवाई। उज्जैन के बड़नगर तहसील में निवास करने वाले एक किसान ने आने जाने के दौरान पानी की समस्या को देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने पैसे खर्च करके पानी की व्यवस्था करूं। किसान ने अपने पास से 80,000 की राशि खर्च करके ट्यूबवेल मोटर के माध्यम से पानी की व्यवस्था की ताकि आने जाने वाले लोग पानी पी सकें, साथ ही मवेशी जानवर भी पानी पी सकें। किसान का कहना है कि अन्न दान और जल दान से बड़ा कोई दान नहीं है, इसलिए हम सबको अपने जीवन में ज्यादा नहीं पर हमसे जितना बन सके उतना अच्छा काम राष्ट्रहित समाज के लिए करना चाहिए। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भाई साहब बताइए क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम जितेंद्र सिंह, पिताजी का नाम सदन सिंह जी, राजपूत समाज सिंगावदा गांव का रहने वाला हूँ। जी हाँ जितेंद्र सिंह जी, यह जो रोड है ये क्या नाम से जाना जाता है, कहाँ कहाँ के लोग? आंदला रोड, खरसोत कला रोड, इसमें 30 से 40 गांव लगते हैं इस रोड पे बनने का आने के लिए। अच्छा, सारे लोग आना जाना करते हैं। लोगों का आना जाना है। आपके मन में किस प्रकार से ख्याल आया कि जो है इस रोड पर बोरिंग करवाई जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, किस प्रकार से आया और क्यों आया? मेरे मन में ये आया कि इधर लोग बहुत आते जाते हैं, लोग पानी आनी पिएंगे, पानी की व्यवस्था हो जाएगी और अपन ये चाहते हैं अन्नदान और पानी दान बहुत महत्व चीज़ होती है। पशुओं भी पानी पिएंगे, यहाँ पे झाड़ भी पानी पिएंगे, अपन ये चाहते हैं कि पानी की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है। नहीं तो जितेंद्र सिंह जी देखें, बहुत सारे लोग तो राज्य सरकार या जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारियों पर आश्रित रहते हैं, वह उनसे उम्मीद रखते हैं, पर आपने किस प्रकार से ख्याल आया कि आपका पैसा ही निजी पैसा खर्च किया जाए, करीब 35-40-50 हज़ार रुपये खर्च रहता है और आपने फिर ये पैसा खर्च करा? मैं ये चाहता हूँ कि अपने माँ बाप का नाम खराब नहीं हो, छवि बने, इज्जत में, और दान अगर हो तो अच्छा हो। सरकार और प्रशासन के इंतज़ार कहाँ तक करेंगे? जो भी खर्चा आया, कैशिंग है, मोटर है, हॉल है, ट्यूबवेल के पैसे अपने अपनी जेब से खर्च कर दिया। यहाँ पे हजारों लोग पानी पियेंगे, पाल्टी आल्टी करेंगे, भंडारा होगा, जो पानी अगर लोग बाग पियेंगे अपना जीवन सुधर जाएगा। आप मानते हैं किस प्रकार से सत्कर्म करके, जलदान करके, अन्नदान करके जो है मुक्ति पाई जा सकती है या बिल्कुल जानता हूँ सर, मुक्ति तो पाई जाती है। अच्छा, खराब कर्म हो तो अच्छे कर्म हो जाएंगे, यही चाहता हूँ मैं। और बजरंग बली से यही विनती है कि अच्छी बुद्धि दे, अच्छी शिक्षा दे, अच्छा इंसान बनाए। ये नहीं चाहता हूँ मैं करोड़पति बनूँ, ये नहीं चाहता हूँ मैं बहुत भारी आदमी बनूँ, मैं यही चाहता हूँ अच्छा सक्षम रहूँ, कमा के खाऊँ और परिवार से जुड़ा रहूँ। और ये मेरे से अगर ऐसा हो तो अगर दूसरा भी अगर ऐसा हो तो दूसरे भी परिवार जुड़े और दूसरे भी यही अगर लक्ष्य अगर करे तो जीवन सुधर जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।